Welcome to Literature Femter. Friends, I hope that you all are doing well and I'm also fine. और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, that is going to be the age of D.H. Lawrence. So without wasting any time, let's jump into the video and let's talk about the facts that I've mentioned. So friends, never and don't forget to subscribe to my channel. Also press the bell icon. ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आई रियली नीड सपोर्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड एज वी नो दैट कि जो एक राइटर होता है वो अपनी एज का प्रोडक्ट होता है ऑफन ही डज नथिंग बट सेंसिटिवली ट्रांसक्राइब फ्रॉम लाइफ He reacts to the social, political, economic and religious conditions of his times and his works are direct expression of this reaction. और हमें बहुत सारे facts like religion, like social, like every kind of background is seen in the writings of any writer. और वो ही writer depict करता है, वो ही चीजें depict करता है जो उस age में चल रही होती हैं. So सबसे पहले उन्हीं facts को discuss कर लेते हैं. तो सबसे पहला point है कि उस एज में इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस हुए थे लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी और अर्बनाइजेशन हुई थी यानी कि लोग विलेजेस को छोड़कर सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे और इसका सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट क्या हुआ था दैट वॉज द डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज एंड देयर ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट बाय अ कमर्शियल सेट ऑफ वैल्यूज यानी लोग मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ट्रू लव के बजाय लोग फेक लव को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और हर तरह का जो फेकनेस थी रिलेशनशिप्स में वो थी एंड देयर वाज कोई भी प्योरिटी नहीं दिखने को हमें मिल रही इस एज में क्योंकि एवरीबडी और हर कोई कंसर्न था किससे मनी से द सेकेंड पॉइंट इज दैट देयर वाज द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन यानी कि औरतें कन्फाइंड कर दी गई थी फोर वॉल्स के अंदर यानी कि घरों में और उनको किसी भी काम की कोई इजाजत नहीं थी दे वर नॉट अलाउड फॉर द फ्रीडम एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट रिलेटेड टू द मैन एंड मैन वर डोमिनेंट एट दैट टाइम द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर वॉज द लॉस ऑफ फेथ जैसे कि हमें पता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को छोड़ चुके थे दे वर जस्ट मूव टूवर्ड्स एनीथिंग मटीरियलिस्टिक दे वर जस्ट ओनली कंसर्न विद मटीरियल्स सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि उनका फेथ स्ट्रांग होगा Obviously, they were away from religion. They were not very close to it. उसके अलावा churches corrupt हो चुकी थी इसके अलावा इसी age में Freud की जो theories थी बहुत बड़ा influence हुआ था उसका writers पर उन sons and lovers में Oedipus complex use किया गया है और वो ही उन्होंने theory of development में बताई थी personality development में So that was used in this novel. Another important point is that changes in private and family relationships. Like आजकल के जमाने में तो होता है कि जो girl होती है वो obviously mother के साथ attached होती है और sons जो होते हैं वो father के साथ attached होते हैं But at that time daughters were against their mothers and mothers were against their daughters. और daughters अपने fathers की तरफ attract होती थी और at the same time जो sons थे वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होते थे एज लवर्स सो इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया है ये कहा गया है कि ये सब कुछ अराइज इसलिए हुआ था बिकॉज एट दैट टाइम द पीपल यूज टू जस्ट हाइड देयर इंस्टिंक्ट्स सो दैट वाज द रीजन के ये जो बच्चे थे वो अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर वाज अ कन्फ्यूज्ड कंसेप्शंस ऑफ मैन ये सोचा जाता था कि जो एक मेल है वो पैदाइशी ही इज अ सिनर दैट ही हैज केम टू द वर्ल्ड विद सिन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस एज वाज द एज ऑफ एंग्जाइटी लाइक वी सी दैट रिलेशनशिप्स भी डिसअसेंबल्ड हैं उसके बाद जब आप वेल्थ की तरफ जाते हो आप रिलीजन से दूर जाते हो आप हर अनएथिकल चीज कर रहे हो सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप एंग्जियस नहीं हो आप रिलैक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलर कल्चर लाइक इतना आम हो चुका था लिटरेचर मैगजीन्स बुक्स न्यूज़पेपर्स कि हर इंसान उसे पढ़ सकता था और क्या हुआ था इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो हमारी
फोक वेज थे, हमारे कल्चर था उस टाइम का, वो उसकी क्वालिटी चेंज हो चुकी थी. सो लोग सिर्फ जो कि कोई भी इंसान उठकर कुछ भी लिख रहा था. सो राइटिंग्स एंड आर्ट जस्ट फ्लरिश्ड इन अ मैनर दैट वी कैन से दैट बहुत आम हो चुका था. सो दीज वर ऑल द फैक्ट्स ऑफ दिस एज.